आदिवासी अंचल झाबुआ जिले के ग्राम रंभापुर के शासकीय विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने वाले बालक बालिकाओं को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय जाने के रास्ते पर पक्की सड़क ना होने की वजह से पहली बारिश से ही भारी कीचड़ रास्ते पर पसर गया है। रोड गड्ढों में तब्दील होकर तालाब का रूप ले चुका है। स्कूल जाने वाले रास्ते पर चलना दुभर हो गया है, जिससे स्कूली बालक बालिकाएं स्कूल जाने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। रंभापुर गांव के शासकीय विद्यालय में 2000 से अधिक बच्चे विद्या अध्ययन करने इस स्कूल में आते हैं। आज़ादी के 72 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए रास्ते पर सड़क का नामो निशान तक नहीं है, जिससे स्थानीय बालक बालिकाएं काफ़ी परेशान हैं। स्कूल सड़क मामले को लेकर नगर के जनप्रतिनिधि और आम जनता ने पूर्व सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को इस समस्या से अवगत कराया था, जिस पर रोड की स्वीकृति भी हो चुकी थी, लेकिन रोड टेंडर राशि पंचायत में न आने की वजह से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में यह रास्ता गले की फांस बनता जा रहा है। अब असली मामा होने का दावा करने वाले कमलनाथ और उनके जनप्रतिनिधि शासकीय विद्यालय पर रास्ता बनाने की पहल में विद्यार्थियों को कितनी जल्दी राहत देंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। झकनावदा से मनीष कुमुट की रिपोर्ट। सड़क की समस्या है जो बहुत खतरनाक है। हर बार हम स्कूल आते हैं, सारी ड्रेस सब खराब हो जाती है, धूल वगैरह सब कीचड़ बहुत है। हमें आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, बुक्स हमारी गिर जाती है और पानी पानी के गड्ढे भरे हुए हैं और हम गिर जाते हैं और हमें बहुत सारी समस्या आती है। रंभापुर से मेन रोड पीपलगुट्टा जाता है, उसी रोड पे यह रोड बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल यहाँ स्कूल के बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, खड्डे में पानी में गिर गिर के। आज आज़ादी के पहले से रोड ऐसा कैसा पड़ा है, कोई ध्यान नहीं है। सरकार आती है, सरकारें चली जाती है, उसके बाद भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है यहाँ पे। रोड की विगत कितने वर्षों से अपन खुद आवाज उठाते आ रहा है, आपके सामने भी हमने हर साल इसका बताते हैं। स्कूली बच्चों के निकलने के लिए यहाँ पे तालाब जैसा भर जाता है पानी, और अभी ये पहली बारिश में देख लो आज की क्या हाल है। इसके बाद भी शासन प्रशासन की ओर से भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरपंच को पूछते हैं तो सरपंच अभी चुनाव के पहले से बता गया है कि 1000 बोरी सीमेंट आ गई इस रोड की और ये रोड काम चालू होने वाला, तो रोड मंजूर हो गया। ये तो सरपंच ने बताया कि भाई ये रोड मंजूर हो गया, प्रधानमंत्री का भी लिया, उसमें जो मुख्यमंत्री है जो वहाँ से नीचे जो बावी जो पोचक वाला रोड बना उससे जोड़ने की बात करी थी सरपंच ने, तो ये मांग करते इस रोड का काम चालू हो गया जल्दी। खरगोन जिले के सनावद में सोलंकी